हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 10 मैं हूँ ये पढ़ेंगे। मैं हूँ चैप्टर में आपको विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में बताया है जो कि जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है मैं सिंह हूँ। सिंह मतलब शेर। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। और जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और हम शेर को देखकर डर जाते हैं। सेकंड, मैं भाग हूँ। मेरे शरीर पर पट्टे हैं। पट्टे मतलब ये वाले, ये धारियाँ बनी हुई हैं जो। और मैं जंगल में रहता हूँ। और भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। राष्ट्रीय पशु है ना हमारे भारत का। सेम हाथी, मैं हाथी हूँ। लोग मुझे गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मेरी सूंड लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट, मैं भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। जब डमरू बजता है तो मैं नाच दिखलाता हूँ। ये भालू जब डमरू बजता है तो नाच दिखाता है। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपकी, पढ़िए समझिए और लिखिए। उदाहरण जैसे शेर सिंह शेर दिया हुआ है, ऐसे ही आपको लिखना है, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ गुजराती में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी का लिखना है बाघ और गुजराती में बाघ, ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, सेकंड, प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे आपको गुजराती में नाम दिए हुए हैं, ये आपको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ससलुम मतलब खरगोश, घेटुम भेड़, वरु भेड़िया, शियाड़ लोमड़ी, कुत्रो कुत्ता, सिंह शेर। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में आपको ये दिए हुए हैं चित्र और ऊपर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको यहाँ पे इन चित्रों को देखकर सही नाम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है? बिल्ली। सेकंड कुत्ता। थर्ड हिरन। फोर्थ हाथी। नेक्स्ट लोमड़ी। नेक्स्ट ऊँट। फिर चीता, भेड़, भालू, बंदर। हाँ, यही सब दिया हुआ है ना, ऐसे ही नेक्स्ट करना है आपको। ऐसे ही ये इनके भी हिंदी नाम लिखने हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट।